अरे जन्नत, आप इतना क्या सोच रही हैं? हाथ आगे बढ़ाइए, ऐसे नहीं मानेगी ना आप। गाड़ी क्यों रोक दी शायद? जन्नत, तो ये है वो डिवाइस, और शायद ने इसे अभी नहीं पहन रखा। पहनाइए ना शायद। छोड़ दीजिए ना जन्नत। आहिर छोड़ दीजिए ना। या अल्लाह, मुझे ये अंगूठी पहनने में इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई रोक रहा है? क्या हुआ, इतना हाथ क्यों कांप रहा है? ऐसा कुछ नहीं। क्या बात है नई सनम, तुम तो तीर बिल्कुल निशाने पे मारती हो। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम ये आहिल को पिला दोगी और फिर वो तुम्हारा वो हो जाएगा? दीवाना। और वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा हमेशा के लिए? नहीं, भरे हुए ग्लास को और भरने से पहले उसे खाली करना पड़ता है। ये आहिल जी पर तभी काम करेगा जब आहिल जी सनम के बारे में ना सोच रहे हो। मैं आहिल जी के मामले में कोई भी गलती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उन्हें तब दूंगी जब वो बेहोश हो। कल मैं सबको घर से बाहर भेज दूंगी और फिर क्या? कल तक स्विमिंग पूल साफ हो जाना चाहिए, उसके बाद जो होगा वो तुम दोनों को पता चल जाएगा। कमाल है। हाँ, ये तो अब बेचारे आहिल और सनम का क्या होगा, ये तो उन दोनों को कभी मिलने नहीं देगी। बड़ी तमन्ना थी इस बेटी की कि मैं अपने घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाऊं। चलो आज वो भी पूरी हो गई। ये ले बुढ़िया, इसे पैक कर और जल्दी कर। अल्लाह, इससे पहले कि शशि कपूर को पता चल जाए ये बंदूक मेरे हाथ में, मैं बाहर जाके इसे नाले में फेंक देती हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रुक, वहीं खड़ी रहना।
वहीं रुकना, हिलने की कोशिश मत, हिलने, मैंने कहा रोक। फूफो क्या कर रही है आप? आप ठीक है ना? माफ कीजिए मुझे, आप मेरी पेन ड्राइव, एक मिनट। या अल्लाह, मेरे खानदान की खुशियां तुम्हारे हाथ में, मेरी शाद को बस ये बंदूक मिल जाए।